हाय फ्रेंड्स, साहसी यूट्यूब ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हम मेडिकल कॉलेज अस्पताल ये नेट चौक में हैं और मैडम जी बता रहे थे कि कैसे कैसे बच्चे को ध्यान रखना चाहिए, नवजात शिशु को कैसे कैसे दूध पिलाना चाहिए और जन्म से लेके 2 घंटे बाद दूध पिलाना चाहिए। ये नहीं कि गाय का वाले दूध जन्म से ही पिलाना शुरू कर दे, क्योंकि उससे बच्चे का हानिकारक होता है, खराबी होता है। और माँ का ये गढ़ा दूध पिलाना चाहिए, इससे बहुत बढ़िया रहता है, प्रोटीन भी मिलता है, माँ भी स्वस्थ रहता है, बच्चे को भी शक्ति मिलता है। इसीलिए माँ का ही दूध पिलाना चाहिए और कोई चीज़ का दूध नहीं पिलाना चाहिए। जन्म से 2 घंटा बाद माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। तो ये जो दूध पिलाना होता है ये सर मतलब 1 घंटे के अंदर पिलाना बहुत जरूरी है। जैसे डिलीवरी के बाद 1 घंटे के बाद दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जो पहला गाढ़ा दूध होता है ना, ये इसको हम फीस बोलते हैं। तो पहला गाढ़ा दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। कई उनके हमारे यहाँ क्या होता है कि कई शहद चटा देते हैं जन्म के बाद, शहद चटाते हैं, कई गुट्टी चढ़ाते हैं, कई गुड़ चटाते हैं ना। तो ये क्या है, ये नहीं चटाना चाहिए। ये हमारी मतलब एक अलग ही परंपरा है, ये नहीं चटाना है। इसके बाद पहला गाढ़ा दूध बच्चे को पिलाना है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और 6 महीने तक सिर्फ पहला गाढ़ा दूध ही, पहला माँ का दूध ही पिलाना है, कोई ऊपरा शुरू नहीं करना है। जैसे कोई डिब्बे का दूध पिलाते हैं, ठीक है, गाय का दूध पिलाते हैं, जब गाय का बछड़ा होता है तो वो कितने देर के बाद चलना शुरू कर देता है, कितने देर के बाद चलता है, 2 घंटे बाद चलता है ना। और हमारा बेबी कितने बाद चलता है, 1 साल बाद, ठीक है। तो जितनी जरूरत बच्चे को मतलब माँ के दूध की होती है ना, तो गाय का दूध उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और हम उसको पिलाते हैं, ठीक है। और जो डिब्बे वाला दूध है वो माँ के दूध की तरह बनाने की कोशिश की है, ना कि माँ का दूध बना हुआ है, माँ की माँ का दूध है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि माँ का दूध ही पिलाना है, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है, 2 घंटे के बाद दूध पिलाना है, ठीक है। कई बोलते हैं कि दूध नहीं होता है, बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं मिल पाती और बच्चा रो रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर फीड का मतलब है अगर बेबी हमारा दिन में 6 से ज़्यादा बार अगर शिशु कर रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को फीड पूरी मिल रही है। और महीने में उसका वेट जो है वो अगर 500 ग्राम से ज़्यादा बढ़ रहा है, हाँ, तो उसको पूरी फीड मिल रही है। अगर 500 ग्राम से कम है या फिर दिन में शिशु नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेबी को फीड नहीं मिल रही है और इससे क्या होता है कि पीलिया होने का खतरा हो सकता है। तो बच्चे को आपने 2 घंटे के बाद मतलब दूध पिलाना ही है और 15 मिनट तक पहले एक छाती से दूध पिलाना है। बोलते हैं ना कि सियाने बोला भी मतलब दोनों छातियाँ बराबर पिलाने वे नहीं, बड़ी छोटी हो गई है ना, बड़ी छोटी हो गई, हाँ। तो उसका मतलब ये है कि 15 मिनट पहले ही हम छाती से दूध पिलाओ और 15 मिनट के बाद दूसरी छाती से, ठीक है। 15 मिनट का मतलब ये है कि पहले रहता है पानी, ठीक है, पहले दूध नहीं आता है। अगर 5 मिनट, ठीक है, पहले आता है पानी, उसके बाद दूध आता है। अगर 5 मिनट हम एक छाती का रहते हैं, 5 मिनट दूसरी, तो पानी का नहीं पिएगा, दूध तो नहीं पिएगा बच्चा ना। तो इसलिए पहले आपको क्या करना है, 15 मिनट तक उसको पहले एक छाती पिलाओ, उसके बाद दूसरी। हो सकता है 2 घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद तो सो जाएगा, या कई बार बच्चे के करते हैं दूध पिला के पीते ही 2 मिनट के बाद भी सो जाता है। तो हमने उनको उठाना है, उनके पाँव पैसे धीरे धीरे मारनी है या कान से नीचे उनको ऐसे कुछ नहीं करके उनको उठाना है, ठीक है। ऐसे क्या लग रहा है कि बच्चा लटका हुआ है और इसको हम दूध पिला रहे हैं, है ना, लग रहा है ना। तो इसको अब आप इसकी अगर ये दूध पी रहा है और पूरा ही हमें ऐसे पकड़ा है, अगर इसको लटका के रखते हैं तो इसको नहीं आएगा दूध, ठीक है। तो इसको बिल्कुल सीधा रखा है बच्चे को भी और माँ की कमर भी बिल्कुल सीधी होगी। अगर स्कूल पे बैठे हैं
जैसे रिश्तेदार है आप तो सो गए हो, आप इनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं ना, तो इनको हेल्प की जरूरत है। जब ये 10-15 मतलब 2 हफ्ते के बाद 10-15 दिन के बाद ये खुद पिला पाएंगे, ठीक है, तो शुरुआती दौर में जब इनको हेल्प की जरूरत होती है तो आप कर सकते हो इनकी हेल्प, ठीक है। जब तक अब ये बच्चे हैं अब नहीं पता है, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी भी हो सकती है, सेकेंड भी हो सकती है, ठीक है ना। जन्म से लेके ये बच्चे को सबसे पहले माँ का दूध पिलाना चाहिए, ये नहीं कि गाय का पाउडर वाले दूध जन्म से पिलाना शुरू कर दे, क्योंकि उससे जो है बच्चे को प्रोटीन नहीं मिलता है। इसीलिए सबसे पहले माँ का दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, जन्म से 2 घंटे बाद माँ का दूध पिलाना चाहिए। इससे आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, बाय बाय।